हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम जानेंगे 16 से 30 अप्रैल 2022 के बीच जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए करंट अफेयर के, उसके बारे में। दोस्तों, ये वीडियो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो में टॉप 40 ज़्यादा क्वेश्चन लिए गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं वो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप किसी भी एग्जाम के लिए दें, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल ही रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को, वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। प्रधानमंत्रियों का म्यूजियम का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? तो दोस्तों, प्रधानमंत्रियों के लिए एक म्यूजियम बनाया गया, जिसका उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अंबेडकर जयंती पर दिल्ली में ये म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। अभी तक जितने भी पीएम हुए हैं उनका जीवन और राष्ट्र निर्माण में योगदान की कहानी इस म्यूजियम में बताई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर ई गवर्नेंस का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर ई गवर्नेंस का आयोजन हैदराबाद में किया जा रहा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, हैदराबाद जो तेलंगाना की राजधानी है, यहाँ पर यह 24वां कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। साइंस और टेक मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इसकी शुरुआत करेंगे। दोस्तों, इस बार जो इसकी थीम रखी गई है वो याद रखना है आपको। इस बार थीम है इंडियाज टेकेड डिजिटल गवर्नेंस, ये थीम रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी समिट को कौन सा शहर होस्ट कर रहा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सूरत। सूरत स्मार्ट सिटी को होस्ट कर रहा है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, इसका जो आयोजनकर्ता मंत्रालय है वह मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो दोस्तों, हाल ही में भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई गई है। ऑप्शन बी 131वीं इसका सही आंसर होगा। प्रत्येक 14 अप्रैल को बीआर अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। दोस्तों, इनका जन्म 1891 में इंदौर की महू में हुआ था। भारतीय वित्त आयोग की स्थापनाकर्ता भी इन्हें कहा जाता है। भारतीय संविधान का पिता बीआर अंबेडकर को ही कहा जाता है। भारत के पहले कानून मंत्री भी बीआर अंबेडकर ही हैं। दोस्तों, इस बार इनकी 131वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 भूषण कुमार और कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट, इन दोनों को दिया गया है। तो ऑप्शन ए और बी इसका सही आंसर होगा। भूषण कुमार और कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, ये पुरस्कार हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का मैच कौन सा देश करा रहा है? तो दोस्तों, इसका आयोजन भारत में किया जा रहा है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, भारत। भारत में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, 16 देशों की 22 टीमें इसमें भाग लेंगी। 2019 में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर इसे जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनोज पांडे को नया आर्मी चीफ बनाया गया है, यह कौन से आर्मी चीफ बने हैं? तो दोस्तों, ये 29वें आर्मी चीफ बने हैं, 29। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, मनोज पांडे अब भारतीय सेना के नए आर्मी चीफ बन गए हैं। दोस्तों, भारतीय आर्मी के ये पहले इंजीनियर होंगे जो आर्मी चीफ बने हैं। बात आई है इंडियन आर्मी की, तो आपको बता दें इसका फॉर्मेशन 1950 में किया गया था, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। आर्मी डे प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है और आर्मी का मोटो है सेवा परमो धर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, प्रत्येक 17 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी सही आंसर होगा। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम एक्सेस फॉर ऑल पार्टनरशिप पॉलिसी एंड प्रोग्रेस, ये रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचडीएफसी बैंक का गैर कार्यकारी निदेशक हाल ही में किसे बनाया गया है? तो इसका हाल ही में गैर कार्यकारी निदेशक रेणु कर्नाड को बनाया गया है। ऑप्शन डी रेणु कर्नाड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो दोस्तों, सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप तमिलनाडु ने जीती है। तमिलनाडु ने पंजाब को हराकर ये
जो बास्केटबॉल चैंपियनशिप है अपने नाम की है। दोस्तों अगर बात करें ये मेल की, अगर बात करें फीमेल की, तो भारतीय रेलवे ने तेलंगाना को हराकर सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप अपने नाम की है। दोस्तों बात आई है तमिलनाडु की, तो मैं अपनी लोकेशन अगर देख पा रहा हूँ कि तमिलनाडु की है। तमिलनाडु की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी। राजधानी चेन्नई है। गवर्नर आर एन रवि हैं। बात करें मुख्यमंत्री की, एम के स्टालिन यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। राज्यसभा की 18, लोकसभा की 39 सीटें हैं। बात करें नृत्य की, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है। मैमल की बात करें, नीलगिरी तहरी तमिलनाडु का मैमल है। पक्षी पन्ना कबूतर यहाँ का पक्षी है। फूल ग्लोरिसा लिली यहाँ का राजकीय फूल है। वहीं बात करें अगर पेड़ की, तो तार का पेड़ तमिलनाडु का राजकीय पेड़ है। और खेल कबड्डी है। तो ये कुछ फैक्ट हुए तमिलनाडु के बारे में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु तेग बहादुर का 2022 में कौन सा प्रकाश वर्ष मनाया गया है? तो दोस्तों गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश वर्ष मनाया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 400वां प्रकाश वर्ष गुरु तेग बहादुर का मनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सिक्का भी जारी किया गया है। तो ये इंपोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर में कुल कितने व्यक्तियों को यह अवार्ड दिया गया है? तो कुल 5 व्यक्तियों को यह अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, डेवेन कॉनवे, ओली रॉबिन्सन और डैन वैनको, इन 5 लोगों को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर से नवाजा गया है। रोहित शर्मा और बुमराह तो आप जानते हैं भारत के हैं, डेवेन कॉनवे न्यूजीलैंड के हैं, ओली रॉबिन्सन इंग्लैंड की हैं। वहीं बात करें एकमात्र वुमन जिनका नाम है डैन वैन, ये दक्षिण अफ्रीका की हैं। दोस्तों कुछ और अवार्ड दिए गए हैं इसमें, उनके बारे में ही आपको बता दें। तो लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का अवार्ड मेल में जो रूट को दिया गया है, जो इंग्लैंड के हैं। और अगर बात करें लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड वुमन का अवार्ड लिजे ली को दिया गया है, जो साउथ अफ्रीका है। लीडिंग क्रिकेटर T20 का अवार्ड जो है वह मोहम्मद रिजवान को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिट इंश्योरेंस की पहली नई MD और CEO हाल ही में किसे बनाया गया है? तो दोस्तों ये हैं जसलीन कोहली। जसलीन कोहली को हाल ही में डिजिट इंश्योरेंस की नई MD और CEO बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा प्रदूषण प्रक्रिया अभ्यास का कौन सा संस्करण हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसका यह 8वां संस्करण था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा प्रदूषण प्रक्रिया अभ्यास का यह 8वां संस्करण हाल ही में शुरू किया गया है। दोस्तों इसका नाम नेट पोर रेक्स दिया गया है। बात आई है भारतीय तटरक्षक बल की, तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हम आपको इसके बारे में बता दें। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1978 में की गई थी। आदर्श वाक्य वयम रक्षाम है। प्रत्येक 1 फरवरी को यह अंतर्राष्ट्रीय भारतीय तटरक्षक बल का दिवस मनाया जाता है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके जो डायरेक्टर हैं वह VS पठानिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा भारत की यात्रा की गई है? तो दोस्तों UK के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के द्वारा भारत की यात्रा की गई है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 300 साल में गुजरात आने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे UK के। दोस्तों बात आई इंग्लैंड की, तो चलिए आपको UK के बारे में बता दें। इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड किंगडम होता है। इसका जो गान है वह भगवान रानी बचाओ यानी गॉड सेव द क्वीन है। राजधानी लंदन है। सम्राट एलिजाबेथ द्वितीय है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। दोस्तों लेकिन अभी इन्हें हाल ही में हटा दिया गया है, लेकिन अभी वर्तमान में कोई वहां पर प्रधानमंत्री नहीं है, इसलिए हम बोरिस जॉनसन का नाम ले रहे हैं। और यहां की जो मुद्रा है वह पाउंड स्टर्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है? तो दोस्तों हाल ही में सुमन के बैरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। राजीव कुमार की जगह है सुमन के बैरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अगर बात करें CEO की, तो अमिताभ कांत प्रेजेंट में CEO हैं नीति आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35वीं एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका आयोजन मंगोलिया में किया जा रहा है। ऑप्शन बी मंगोलिया इसका सही आंसर होगा। दोस्तों मंगोलिया के उलनबटोर में 35वीं एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर हमारी अंशु मलिक और राधिका ने रजत पदक जीता है और
कांस्य पदक मनीषा के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाहोद में आयोजित आदिवासी जाति सम्मेलन में किसने भाग लिया है? तो दोस्तों इसमें हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा भाग लिया गया है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। प्रधानमंत्री के द्वारा इस दाहोद में आयोजित आदिजाति सम्मेलन में भाग लिया गया है। 22,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजना का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दाहोद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो दोस्तों क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कश्मीर में चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, चिनाब नदी। दोस्तों आपको बता दें, पीएम के द्वारा इसका फाउंडेशन रखा गया है और इसका नाम है क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिट्री पर खर्च करने के मामले में भारत दुनिया में कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों भारत तीसरे स्थान पर है मिलिट्री पर खर्च करने के मामले में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, थर्ड। आपको बता दें, पहले स्थान पर यूएस है, दूसरे स्थान पर चाइना है और हम तीसरे स्थान पर आते हैं। ये रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस यानी सिप्री के द्वारा जारी की जाती है। दोस्तों हमने जो पूरा बजट है वह 75.6 बिलियन डॉलर का बजट रखा है अपने मिलिट्री पर खर्च के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायसेना डायलॉग का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों रायसेना डायलॉग का आयोजन हाल ही में दिल्ली में किया गया है। तो ऑप्शन ए दिल्ली इसका सही आंसर होगा। 2016 से इस रायसेना डायलॉग की शुरुआत की गई थी। इस बार इसकी थीम रखी गई है एशिया रीजनल एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी, ये थीम रखी गई है। वहीं बात करें इसमें किसने भाग लिया है, तो यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेयर लियोन ने इसमें भाग लिया है। साथ ही 8 देशों के विदेश मंत्री भी इसमें शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी 25 अप्रैल इसका सही आंसर होगा। दोस्तों 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 2001 से इस दिवस की शुरुआत की गई थी। दोस्तों 2022 में थीम रखी गई है मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए हार्नेस इनोवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 रेजिलिएशन रैंकिंग में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो इसमें नॉर्वे पहले स्थान पर है। ऑप्शन ए नॉर्वे इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आयरलैंड इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। बात करें इस लिस्ट में भारत किस स्थान पर है, तो भारत 37वें 37 स्थान पर है कोविड-19 रेजिलिएशन रैंकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत किस देश में की गई है? तो दोस्तों इसकी शुरुआत हाल ही में फिलीपींस में की गई है। तो ऑप्शन डी फिलीपींस सही आंसर होगा। फिलीपींस के मनीला में एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत की गई है। इसका यह 40वां संस्करण है। दोस्तों पीवी सिंधु ने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत किस राज्य में बनी है? तो देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत जम्मू कश्मीर के सांबा में बनी है। तो ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों गोविंद सिंह को मध्य प्रदेश का नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो दोस्तों फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स नाबार्ड के द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन सी नाबार्ड सही आंसर होगा। दोस्तों बात आई है नाबार्ड की, तो आपको इसके बारे में बता दें, इसका फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। 12 जुलाई 1982 को इसका फॉर्मेशन किया गया था। हेडक्वार्टर मुंबई में है और हेड गोविंद राजुलू चिंताला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नया सेना उप प्रमुख बनाया गया है? तो VS राजू को नया सेना उप प्रमुख बनाया गया है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। दोस्तों मनोज पांडे अब भारत के नए सेना प्रमुख हैं और उनकी जगह VS राजू को अब नया सेना उप प्रमुख बनाया गया था। पहले मनोज पांडे भारतीय सेना के उप प्रमुख थे, लेकिन अब उन्हें सेना का प्रमुख बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमण का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में रमण का आयोजन किया जाता है। दोस्तों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी रमण को शामिल किया गया है। 500 साल पुरानी परंपरा है जो उत्तराखंड में आयोजित की जाती है।
बताइए उत्तराखंड की। तो ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को की गई थी। देहरादून और गढ़सेन यहाँ की राजधानियां हैं। दो गवर्नर गुरमीत सिंह हैं, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं। राज्यसभा की 3 और लोकसभा की 5 सीटें हैं उत्तराखंड में। वाद्य यंत्र ढोल है। स्तनपाई की बात करें तो अल्पाइन कस्तूरी मृग यहाँ का स्तनपाई है। हिमालय मोनाली उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। बात करें मछली की तो गोल्डन महासीर मछली है। बटरफ्लाई में बात करें तो बेस्ट हिमालयन कॉमन पीकॉक ये बटरफ्लाई है उत्तराखंड की। फूल की बात करें तो ब्रह्म कमल फूल है। बुरांस पेड़ है और फुटबॉल यहाँ का राजकीय खेल है। तो ये बात हुई उत्तराखंड के बारे में। यहाँ से आपके एग्जाम में एक नए क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले स्वदेशी पोत का नाम क्या है। तो दोस्तों INS विक्रांत भारत के पहले स्वदेशी पोत का नाम है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। भारत का पहला स्वदेशी पोत है जिसका नाम INS विक्रांत है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात की 15 से 30 अप्रैल के बीच जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुए उनके बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आया था तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप इस पर मेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।